अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नादिया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग ग्रेट। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, और कहाँ मुलाकात हो रही है गैस कीजिए आप। मैं कहाँ हूँ गैस करें आप। जी हाँ, मैं आई हूँ बहरिया टाउन कराची, और आज आप मेरे साथ विजिट करेंगे कराची के बहरिया टाउन का। तो चलिए अब मैं आपको करवाती हूँ विजिट, लेट्स गो कराची के बहरिया टाउन में। और मैं आपको बहरिया टाउन का विजिट कराऊंगी, सही है। और मैं बहरिया टाउन के कार्निवल पार्क में हूँ, मैं आपको कार्निवल पार्क दिखाऊंगी, सही है। मेरे साथ साथ रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, कुछ नहीं जाएगा आपका। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को भी लाइक कर दें, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी आपकी, सही है। चलें अब आप मेरे साथ रहें, ये दो काम कर लिए आपने, ओके। अब आप मेरे साथ रहें और मेरे साथ साथ बहरिया टाउन विजिट करें। चलें कार्निवल देखें, विशाल काम से हाय, से हाय, आप भी हाय बोलो, हाय, आप भी हाय बोले। देखिए आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं आई हूँ बहरिया टाउन, और ये आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा। आज मैं आपको विज़िट कराऊँगी बहरिया टाउन का, कराची का, सही है। तो मेरे साथ रहिएगा, चलिए देखते हैं। सनसेट देखिए, कितना हसीन व्यू है सनसेट का यहाँ का। और यहाँ से जो एरोप्लेन जाते हैं, आप ये एरोप्लेन देखिए, ये सुपर बहुत अच्छी जगह है घूमने की फैमिली के साथ, साफ सुथरी, और ज़रूर विजिट करें। साइड कैंटीन्स वगैरह हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ अगर आते हैं दिन में तो आप लंच भी कर सकते हैं, रात हो जाए तो डिनर भी, और बीच में आप टी, पिज्ज़ा वगैरह सब मिलता है, ले सकते हैं। मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठी हूँ घास पे, बेंच पे बैठना मुझे इतना पसंद नहीं है, वैसे काफ़ी साफ सुथरी है। हेलो, और मेरे साथ बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग टू मच। व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट? बिस्किट एंड कैंडी। नाइस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको लेके जाती हूँ वहाँ, बहुत अच्छी अच्छी मतलब उन्होंने व्यूज बनाए हुए हैं पिक्चर्स लेने के लिए, और बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी वहाँ चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, सही है। मैं आपको पूरा बहरिया टाउन नहीं दिखा सकूँगी, बहुत बड़ा है। मैं जिस एरिया में आई हूँ
जी हाँ, मैं कार्निवल पार्क में आई हूँ तो मैं आपको कार्निवल पार्क दिखाऊंगी। सही है, बहुत अच्छी जगह है, स्पेशली बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ। यहाँ स्लाइडिंग्स बहुत सारी हैं और टिकट भी इतना नहीं है। बड़ों का टिकट आई थिंक 100 रुपीज़ है और 3 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं है, तो आप कम टिकट में काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बच्चे खुद अपना इंजॉय कर रहे हैं, अब बड़े हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, बच्चों की लुक आफ्टर भी कर सकते हैं बैठे बैठे। और इस साइड भी देखिए स्विंग्स वगैरह हैं। आगे जब मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी और ज़्यादा, आगे जब मैं जाऊंगी तो आपको पूरा ये कार्निवल पार्क दिखाऊंगी। सही है, सही है। चलें आप मेरे साथ साथ चलें, हम जा रहे हैं आगे कैंटीन की तरफ और आगे और भी बहुत सी चीजें हैं। ये केबिन से बने हुए, सभी सभी बनाया। देखिए ये रास्ता है इधर, हैदराबाद मेरे साथ साथ चलिए आगे की तरफ हम जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ लोग मतलब चाय कॉफी टी वगैरह जो भी हो बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, पीते हैं। और यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिससे अक्सर फिल्म्स वगैरह या बच्चों के कार्टून, अगर क्रिकेट आ रहा हो तो मैच वगैरह लगा। सनसेट की वजह से आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा पर ये स्क्रीन मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। सनसेट देखिए कितना हसीन है, मैच लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हैं कैंटीन्स यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ आप पिज्जा चाय कॉफी वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं। मुझे तो क्या शहजादे वहजादे लग रहे हैं। आपको नाम क्या है? मेरा नाम मेसन अंकित है। ओके, ये कौन सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है आपने? दरबारी का कॉस्ट्यूम पहना है। अच्छा ये दरबारी हैं, सही राइट। बादशाह सलामत, आप बादशाह सलामत के लिए क्या लेने आए हैं यहाँ पे? बादशाह सलामत के लिए यहाँ पे क्या लेने आए हैं? प्रोग्राम करते हैं। अच्छा यहाँ प्रोग्राम करते हैं, बादशाह को छोड़कर आ गए आप? चाय लेने आए। अच्छा उनके लिए चाय लेने आए हैं, यही तो मैं पूछती हूँ लेने क्या आए हैं आप। ओके देखिए इनका कॉस्ट्यूम देखिए, सही। ओके थैंक यू सो मच, जल्दी से चाय लें और जाएं बादशाह सलामत के पास। अब हम लोग ले रहे हैं चाय, जो जो हमारे साथ आए हैं उनके लिए। बच्चों के लिए मैं कुछ चीज ढूंढ रही हूँ कि अच्छी सी मिल जाए। देखें चाय, ये चार लोग तो रहे हैं, चार चाय क्यों रहे हैं? अच्छा सात चाय लिए, सही। यहाँ इनके पास ये देखिए कैंटीन, इनके पास लेस हैं पर बहुत ज़्यादा मसाले वाली हैं, क्लासिक लेस तो ख़त्म हो गई इनके पास। यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता, जब मैं बाहर जाऊँगी तो आपको विजिट कराऊँगी। सही सारा, अभी फ़िलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से आप कैंटीन वगैरह सब देख लें। बच्चों को कर दिया है सेट, बच्चा पार्टी इज ऑल सेट टू हैव फ्रेंच फ्राइज। अब है टी टाइम, सही है। मैं तो अगर चाय पी लूँ तो समझें कि बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती हूँ, सिर्फ चाय ही काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए मेरे साथ मिलके चाय पीते हैं। आप लोग अब है टी टाइम और मैं पीने लगी हूँ चाय। अच्छी चाय सारे दिन की थकान दूर कर देती है, और अगर आप घूमने आए और चाय मिल जाए तो
क्या ही बात है। और आप अगर घूमने आ चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। ये जो पिलर्स हैं बड़े प्यारे लगते हैं बैरियर टाउन के। अभी तक जो है मैं वहाँ गई नहीं हूँ, आज मैं वहाँ गई नहीं हूँ। वैसे तो काफी बच्चा पार्टी ये सारी चीजें खा ले तो फिर वहाँ चलते हैं। नहीं हूँ आगे पिलर्स की तरफ, क्या शाइन कर रहे हैं। और आप ये देखिए, ये भी इस तरह के फाउंटेन से यहाँ बहुत बने हुए कलरफुल, पर ये पानी गंदा है, इनमें हाथ वगैरह नहीं डाल सकते, ये बस खूबसूरती के लिए। मैच इज स्टिल गोइंग ऑन, पानी के अंदर आने जाना ट्रेंड भी आ जाएगा। यहाँ लाइट्स वगैरह ऑन हो गई है। आइए, अच्छा ये मैं दिखाती हूँ, ये कलर्स चेंज होते हैं इनके, देखिए आप। अभी ये कोई और कलर हो जाएगा। चलिए हम जा रहे हैं आगे की साइड। देखिए वाओ, ब्यूटीफुल। सिक्योरिटी को मिला है और यहाँ अपने बच्चों का ख्याल रखे। ये वाले फाउंटेन्स भी है यहाँ पे ब्यूटीफुल। ये पिलर्स में जो लाइट्स की रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। वैसे इस पिलर की अपनी एक, ये जो पिलर्स हैं इतने सारे, इनकी अपनी खूबसूरती है, नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत। इस साइड चल रहे, चले उस साइड से चलते हैं बच्चों, आगे आगे। मैंने सोचा मैं यहाँ अपनी वीडियो बनाऊं, पर यहाँ लाइट्स बहुत ज्यादा हैं, शायद वीडियो अच्छी आ जाए। पिलर्स के साथ बहुत बहुत ज्यादा लाइट्स हैं। चलिए अब मैं जा रही हूँ आगे, ये फाउंटेन्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही हसीन बने हुए हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं, यहाँ क्राउड है दूसरी जगहों के बनिस्पत। तो चले आगे जाके मैं आपको फाउंटेन्स दिखाती हूँ। मेरे चलने से शायद फोकस ना हो रहा हो जगह पे। चलिए मैं आगे जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या खूबसूरत लाइट्स हैं। एक साइड यहाँ पिलर्स हैं और यहाँ फाउंटेन्स हैं। रात हो गई है, लाइट्स वगैरह सब ऑन हो चुकी हैं। और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बच्चे भागते हैं तो पता भी नहीं चलता, हाथ छुड़ा के निकल जाते हैं। हमारे साथ तो यही हो रहा है, बार बार बच्चों को पकड़ें। चलिए ज़बरदस्त इमरान, बहुत ही हसीन। मैं आगे आगे जा रही हूँ और देखिए ये आगे उन्होंने फ्लावर्स का बड़ा अच्छा सा पाथ बनाया हुआ है। सी, अब मैं आगे आई हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, यूं करके आगे जा रही हूँ, जबरदस्त, बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं बहुत। और इस साइड भी फाउंटेन है, यहाँ देखिए आप फाउंटेन्स। ब्यूटीफुल, आप इनके अंदर जो लाइट्स है ना, वो और ज्यादा इसको ब्रेथ टेकिंग बना रहे हैं, सुपर मार्वेलस।
चलो। बहुत प्यार इंसान है, बहुत प्यार इंसान है। तो कितना हेलो, कैसी हो? देखिए मैंने कितने पाली बेबी देखी है। क्या नाम है? देखिए इसका माशाल्लाह से जन्नत। वाओ, नाम की तरह प्यारी है। और आपने कहा पहना हुआ है? क्या पहना हुआ है इसने? मोती वाली टोपी। वाओ ब्यूटीफुल। आप इसकी मोती वाली टोपी देखें, कितनी प्यारी है। बोलो हाय जन्नत। हाय, क्यूट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। कलरफुल फाउंटेन्स, वाओ। और ये पहले आप ये देखिए उन्होंने किस तरह स्टोन्स लगाए हुए आगे, या रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं या बड़े बड़े स्टोन्स हैं। और बहुत कलरफुल फाउंटेन्स, मार्वेलस, ब्रेथ टेकिंग। देखिए मैंने सारी बच्चा पार्टी को इकट्ठा कर लिया है यहाँ। अब इनके हम फोटो सेशन कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ वीडियो। सो टेल मी, आर यू एंजॉयिंग? सो वेयर आर यू? इन द वॉटर। एंड यू ऑन द रॉक? ओके। And you are in Barrier Town. You are visiting Barrier Town. Right. Anaya, come. Anaya. चले हम बच्चों से बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वन बाय वन सब इंट्रोडक्शन करवाए। My name is Aisha. I am 8 year old. I am a girl. Yes, and you? Very good. And you, Fatma? I'm you. Dad. You? Give me introduction. Say, my name is Sabi. My name is Sabi. I am a boy. Give me introduction. Give me introduction. I am Anaya. Okay, give me introduction. My name is Saad. यहाँ लाइटिंग बहुत कम है, लाइटिंग की वजह से शायद मेरी वीडियो अच्छी ना बन रही हो, लेकिन इंजॉय हम बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आपको देख के जितना मज़ा आ रहा होगा उससे कहीं ज़्यादा मज़ा हमको आ रहा है। और अब तो बहुत एडवांस कर लिया मैंने पहले टाउन।
सब मैंने आपको कार्निवल पार्क दिखाया है, अदरवाइज यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, थीम पार्क है, जू है, वो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ उन्होंने एक वॉल बनाई है वो भी बहुत अच्छी है, और यहाँ चलते चलते वीडियो सही आएगी नहीं। चलें जी, अब हम जा रहे हैं फाउंटेन की तरफ से आगे की तरफ, और आगे भी कुछ फाउंटेन्स हैं जो कि कलर चेंज करते हैं। सिर्फ ये एक पार्क बहरिया टाउन का, उसके बाद फिर जू है, थीम पार्क है, उनमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये वॉल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ लोग खड़े होकर पिक्चर्स बनवाते हैं, ये देखिए जबरदस्त सुपर, ये आप वॉल देख रहे हैं, अच्छी खासी बड़ी वॉल है और लोगों की यहाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, लाइट वगैरह भी लगी हुई है, तो यहाँ खड़े होकर काफ़ी पिक्चर्स वगैरह बनवा। अब मैं आ गई हूँ उस वॉल के सामने और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप यहाँ खड़े होकर पिक्चर बनवाएंगे तो व्यू कैसा आएगा, व्यू कैसा आएगा, ये देखिए लाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब रात हो गई है ना, तो उन्होंने यहाँ लाइट पिक्चर्स वगैरह के लिए लाइटिंग वगैरह रखी हुई है, बहुत ज़्यादा लाइट हो रही है भाई। आप पूरी वॉल ऊपर से देखें, तो ज़्यादा ही लाइट हो रही है, लाइट की तरफ से थोड़ा हटते हैं, देखिए बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है। उस फाउंटेन की तरफ जा रही हूँ जिसमें कलर चेंज होते हैं, लग तो बहुत हसीन रहा है दूर से, कलर हर मिनट के बाद चेंज हो रहे हैं इसके। और अब हमें, मैं यहाँ तकरीबन आई थी दोपहर को, अब रात हो गई है, मतलब एक कार्निवल पार्क में देखने की इतनी चीज़ें कि भाई सुबह आते हैं और रात हो जाती है, तब कहीं जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी आधी नहीं देख सकते। इवन मैंने आपको रेस्टोरेंट वाली साइड दिखाई नहीं, इन बच्चों को देखें, आ जाए, मैंने सिर्फ आपको कैंटीन वाली साइड दिखाई है, अभी मैं जब बाहर निकलूंगी तो आपको रेस्टोरेंट वाली साइड भी दिखा दूंगी। चलें जी, एक फाउंटेन रह गया था, इसके भी इसको भी देख लें आप, देखिए अभी ये रेड है, अब इसमें कलर आएगा ग्रीन, वाव जबरदस्त, और फिर ये ब्लू सुपर, बहुत प्यारा है इसका डिजाइन भी, और इसको आप अंदर से देखें। अब यहाँ से सीधा फिर बाहर जाने का रास्ता है, काफ़ी अच्छा हो गया है ये पार्क भी। तो अब मेरा विजिट होता है ख़त्म, जाने से पहले मैं दोबारा कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब मैं बाहर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं, सही, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी किसी और नई जगह पे। अब तो चल चल के मैं भी थक गई हूँ, चल चल के मैं थक गई हूँ। ये आप यहाँ राइड ले सकते हैं, आर्टिफिशियल ये राइड्स हैं भाई बच्चों के लिए, देख रहे हैं आप, घोड़ा चीता सब है यहाँ पे। आपको चीते से लेके घोड़ा ऊंट सब मिलेंगे। अच्छा यहाँ देखिए, हाँ अब ये आ गए हैं हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ, इस साइड है सारे रेस्टोरेंट, आप बैठ के अपना जो है मील एंजॉय कर सकते हैं, डिनर एंजॉय कर सकते हैं। कैफिला है यहाँ पे, और आगे जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, लाइट की वजह से तो आपको वैसे ही नहीं नजर आना कुछ, लाइटिंग कितनी है, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, रास्ते में जो जो आ रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी साइड है सारे रेस्टोरेंट, मैं जा रही हूँ आगे की तरफ, लेकिन कैमरा मेरे राइट हैंड की तरफ है, आप
यहाँ देखिए, मैं यहाँ जा रही हूँ पर कैमरा यहाँ पर है। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी अरोमास आ रही हैं खाने की। वालेकुम सलाम। जी जी, खैर अभी तो हमने खाना नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ चले। उसको तो मैंने कह दिया कि अभी हमने कुछ नहीं खाना, फिर मैं जब आऊंगी यहाँ पे डिनर करने तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ की डिशेस कैसी हैं। सही है, उस वक्त मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग यहाँ की जो कार्निवल पार्क है इसकी विजिट की वीडियो बनाई है। सही है, इस साइड देखिए मैं जा इस तरफ रही हूँ पर राइट, मेरे राइट हैंड की तरफ सब के सब कैफे और रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत अच्छी तरह डेकोरेट भी हुए हैं और खाने की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। पता नहीं कौन कौन से हैं, हाउस ऑफ मंडी, ये केव रेस्टोरेंट भी है जो कि केव बना हुआ है। देखिए चलिए, फाउंटेन्स यहाँ भी आ गए। ये कार्निवल पार्क में तकरीबन 90% तो भाई फाउंटेन्स है। अब यहाँ भी देखिए आप, जो मैंने आपको कहा था टीवी स्क्रीन लगी हुई है बड़ी सी, यहाँ पे मैच और ये सब कुछ, यहाँ खड़े होके भी मैं आपको पूरी, ये डिलीवरी भी होती है क्या कैफिला का, कोई राइडर है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, एक पार्किंग में एक कार जो है पार्क है और उसका नंबर है BHK 193। BHK 193 एक कार जो है पार्किंग में पार्क है, उसका एक शीशा जो है वो खुला हुआ है जिसकी सीपी हो गाड़ी हो जाके शीशा। थैंक यू। इसकी कार है, हमारी तो नहीं। अब ये बाहर एग्जिट कर रही हूँ मैं, सही है इस पार्क से। देखिए यहाँ बर्थडे की भी मुझे लग रहा है अरेंजमेंट हो रही है। केव और ये इस्तांबुल रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, केव है, इस्तांबुल है, हाउस ऑफ मंडी है, मतलब बहुत सारे हैं, मैंने तो अभी सिर्फ 3 नाम लिए हैं। नहीं, बादशाह और शहजादी ये रहे। देखिए अस्सलाम वालेकुम, ये बात हुई थी ना, अस्सलाम वालेकुम, आप कौन हैं? शहजादी हैं, अनारकली हैं, वाओ। देखिए आज हम यहाँ पर आए तो हम अनारकली से भी हमारी मुलाकात हो गई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। और इनका गेटअप देखिए आप के किस तरह इन्होंने किया हुआ है, इनका त्यारा और जो है टोपी, आई थिंक त्यारा नहीं है, अनारकली कैप है, देखिए ज़बरदस्त। और ये वही हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाया था जो चाय लेने आए थे बादशाह के लिए। बादशाह अभी भी नहीं है, बादशाह वही है ना जो फोन पे बिजी है। मैं हाँ ब्लॉगर यूट्यूबर से बादशाह ये रहे। अच्छा चलें अब चलते हैं क्योंकि बाहर गेट पे वेट हो रहा है। बस मैंने आपको इतना ही, कार्निवल देखें चलिए जी, अब हमारा हो रहा है जाने का टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी जगह पे। सही है, अल्लाह हाफिज़। यहाँ टिकट जो है टिकट वगैरह का, और ये लाइटिंग बड़ी अच्छी है भाई, रात के टाइम जो यहाँ लाइटिंग होती है ना ज़बरदस्त। अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, पता नहीं कहाँ पर है। तुम्हारी चीजें मेरे घर रखी हुई जो तुमने उस दिन रखवाई थी मम्मी के साथ, अभी सुबह तुमने जाना है, अभी आ रहा है। Thank you.
अपने घर जाने में। अब कल जा रहे हो तुम लोग? हाँ। खैरियत से।